तो भैया ये है बनारस धाम, ये रहा है स्टेशन। काफी भीड़ है, मुझे लगता है गया से सारे श्रद्धालु यहाँ भी आ रहे हैं। कुछ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं ना, जो टॉन्सर्ड हेड है जिनका, मतलब जो सर से धंजे हो चुके हैं, मोक्ष की भूमि से यहाँ आ रहे हैं। आपको अपने स्टे वाले रूम को दिखाते हैं। दिस बहुत ही अच्छा और रॉयल है, तो रहने के लिए इसमें, इसके अंदर भी एक और बहुत ही रॉयल, बहुत ही रीगल। यह है हमारे होटल का गैलरी, और एक्चुअली ये हथुआ महाराज का पैलेस है जो बनारस से बना हुआ है। ये गोपालगंज इनका हेडक्वार्टर है, लेकिन इनकी जो विरासत है वो फैली हुई है 6 states ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग विजयवाड़ा। तो बड़ा ही अमेजिंग हिस्ट्री है हथुआ महाराज का, और ये उनका पैलेस है जो बनारस। ये हालात हैं 80 घाट का। और ये हालात हैं हमारे, मुझे लगता है कि होटल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये पूरा सिल्ट फैला हुआ है, बोटिंग बंद। सुबह मंदिर जाने की तैयारी, बाहर बहुत भीड़ है और यहाँ पे तंग गलियों से निकल रहे हैं। अच्छा हुआ एक व्यक्ति मिल गया जो मुझे। हेलो गाइस, आई एम इन विंध्याचल राइट नाउ 8:30 evening, और मुझे 2.5 hours लग गए यहाँ पहुँचने में। तो बनारस में बैठे बैठे हमने सोचा कि चलो चलते हैं विंध्याचल देवी का दर्शन करते हैं, लेकिन बीच में बिजली नहीं थी, रोड पे ट्रैफिक जाम भी मिला मुझे। फाइनली विंध्याचल देवी पहुंच गए हैं, और यहाँ तो काफ़ी रौनक है, लेकिन काफ़ी कॉन्जेस्टेड और बहुत ही भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है ये। नहीं, मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार का निर्माण, भव्य निर्माण। विंध्याचल को एक बड़े तीर्थ के रूप में स्थापित तो है ही, पुराणों के अनुसार मान्यता है इसकी, बहुत बड़ी मान्यता है। और आज देख रहे हैं कि मोदी एरा में इसकी पौराणिकता को दिव्यता प्रदान की जा रही है, भव्यता प्रदान की जा रही है।
ये बहुत ही सुंदर रोडवेज बनाया गया, लाइट, इस तरह के पिलर्स, और ये रहा दिव्य एंट्री। वाह, अन्नपूर्णा नैवेद्यम। मुझे भूख लग रही है, मैं सोच रहा हूँ कुछ एक दो केला खा लिया जाए। हाँ भैया, केला दे दो। केला पका हुआ है, किसी दर्जन है? क्या रेट है बताओ, शर्मा कह रहे हो? यूट्यूब पे आओगे, सुंदर लग रहे हो। पका है कुछ, जो सबसे पका है वो दे दो। हाँ, जो सबसे ज्यादा पका है वही दे दो। दाल बाटी रेस्टोरेंट यहाँ पे है, बहुत ही फेमस है, एंड इट वाज वर्थ कमिंग। दिव्य मंदिर के दर्शन करिए आप भी। विंध्याचल बचपन से सुना मैंने, दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन है, इनका भी आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आज शाम 5:30 बनारस में मेरा मन कर गया कि निकलते हैं, ओला बुक किया और चले आए। ये अलग बात है कि ओला वाले ने ओला का ट्रिप कैंसिल करके अपना पर्सनल ट्रिप बना लिया, ये भी अच्छा है। बिल्कुल आरती के समय में हम यहाँ पे खड़े हैं। हो रही है हमारी वापसी दिल्ली की ओर। आज क्लास